उज्जैन के शासकीय माधव नगर अस्पताल में विधायक प्रतिनिधि पर मरीजों को बेड बेचने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप किसी और ने नहीं अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमरावत ने लगाए हैं। आपको बता दें कि अभय विश्वकर्मा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के विधायक प्रतिनिधि हैं। अभय का कहना है कि उसके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। आरोपों की जांच के लिए उसने कलेक्टर को आवेदन भी दिया है। नाम लगाया गया है कि मैं पैसे लेकर बेड दे रहा था। भैया सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि मैं पैसे ले रहा होता, किसी व्यक्ति से पैसे लिया होता, तो ये सोशल मीडिया का जमाना, किसी ना किसी ने उस समय एक चीज़ वायरल तो की होती कि कलेक्टर साहब आते हैं, नोडल अधिकारी आते हैं, मरीजों के परिजन तो उनसे मिलकर अपनी समस्या बताते, इस विषय में बताया होता, पहली बात। दूसरी बात, जो तत्कालीन प्रभारी महोदय थे वो तो अपनी दमगाई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पत्रकार महोदय के ऊपर भी तुरंत FIR करा दी थी और भी लोगों पे तुरंत FIR करा दी थी, तो उस समय मेरे ऊपर FIR करा देते, मेरे विषय में किसी ना किसी अधिकारी को तो सूचित करते। जैसा उन्होंने एक चैट वायरल हो रही उनकी, उसमें ये लिखा हुआ कि उसमें फाइनेंशियल पावर उनको नहीं है। भैया फाइनेंशियल पावर क्या आवश्यकता है? आपकी ड्यूटी क्या 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 काम करते हैं आप? मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ पे लोगों को इलाज की जरूरत है इलाज करवा रहे हैं, बेड की जरूरत है बेड करवा रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं, बेड खाली होते हैं। और इस विषय में मैं बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करता था कि आज हमने इतने बेड में मरीजों को स्थान दिलवाया। अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग चीज़ें जानकारी मुझे मिली है कि वो लोग इस तरह का वहाँ पे काम हो रहा है, डिलक्स रूम है वहाँ पे, ICU का डिलक्स रूम है, ICU का डिलक्स रूम है वहाँ पे, अति गंभीर मरीज को ही जगह मिलनी चाहिए। और जब जाके देखा मैंने, जिनका SpO2 94 है 95 है, वो बड़े आराम से वहाँ पे लेटे हुए हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जिसका SpO2 50-60 के बीच में है, वो पलंग के लिए जद्दोजहद कर रहा है, बाहर पलंग के लिए बैठा हुआ है। मेरा फोकस अभी भी उस समय भी और अभी भी और आने वाले काफ़ी समय में मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं किस तरह से बीमारी से लड़ूं। मेरा फोकस ये रहेगा किस तरह से मैं मरीज को स्वास्थ्य करने में मदद करूं मैं, क्योंकि इस तरह की जब मेरी मानसिकता थी तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारी बाधाओं को दूर करके मरीजों का इलाज करूँ, न कि अपना ऊर्जा किसी और तरीके पर फोकस करूँ, मैं किसी की शिकायत करूँ या किसी के विरुद्ध कोई बयानबाजी करूं मैं। तो मेरा वो, और अपने लेवल पे मैंने अभय से भी बात करी, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करी, सभी लोगों को मैंने इस बात का अवगत कराया कि ये इस तरह के काम यहाँ पे बंद होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि वो क्या है उसके पास, न तो मैंने उसका ID देखा, पर वो अपने आप को जो माननीय मंत्री जी मोहन जी यादव है उनका प्रतिनिधि बताता था।